भाजपा ने 85 लाख रुपए देकर सोलन के एक व्यक्ति दीनानाथ के साथ इकरारनामा किया और 118 की अनुमति लेने के बाद रजिस्ट्री करवाने की शर्त रखी। इससे पहले कि भाजपा जमीन को अपने नाम करवाती, जमीन के मालिक ने ये जमीन सोलन के अन्य व्यापारी को बेच दी और उसके नाम पर रजिस्ट्री भी करवा दी, जिसकी भनक जब भाजपा के पदाधिकारियों को लगी तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। इस बात को लेकर लापरवाही के जिम्मेवार नेताओं की हाजिरी संगठन मंत्री और मुख्यमंत्री के समक्ष लगनी आरंभ हुई। आनंद फानन में जमीन के मालिक और इकरारनामे के गवाह भाजपा पूर्व पार्षद मनीष कुमार के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया। भाजपा पूर्व पार्षद मनीष सोपल को जैसे ही ये पता चला कि भाजपा के नेताओं ने अपनी जान बचाने के लिए उसे दोषी ठहराया है और अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय में निवेदन किया, जहां से जमानत को रद्द कर दिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मनीष को 15 दिनों की मोहलत मिली है। मोहलत मिलते ही मनीष कुमार ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और सच्चाई मीडिया के समक्ष रखी। भाजपा पूर्व पार्षद और मीडिया प्रभारी मनीष कुमार ने कहा कि वे भाजपा के सच्चे और ईमानदार कार्यकर्ता हैं और उनके द्वारा भाजपा के साथ कोई धोखा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सोलन के दो दिग्गज नेताओं के आग्रह पर वे इकरारनामे के गवाह बने थे। उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं द्वारा ये प्रचार किया जा रहा है कि उनकी भूमिका बिचौलिए की रही है तो वे बिल्कुल गलत है। वे भाजपा कार्यकर्ता की हैसियत से नेताओं के कहने पर गवाह बने थे। उन्होंने कहा कि उन्हें भाजपा के नेता बदनाम कर उन्हें हाशिए पर लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे पूर्ण रूप से पुलिस जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि पुलिस तो अपनी जाँच कर रही है, लेकिन भाजपा को भी अपने स्तर पर जाँच करवानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सभी के सामने आ सके। मनीष कुमार पूर्व पार्षद आज ये अपनी स्थिति स्पष्ट करने को मीडिया के माध्यम से यहाँ पर आया हूँ। मैं अपनी स्थिति ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो जितना भी भाजपा कार्यालय की भूमि का प्रकरण है, ये जो भी चला है, इसमें मेरी कहीं भी संलिप्तता नहीं है, ना ही भूमि खरीदने में और ना ही सौदा करवाने में किसी तरह की भी नहीं। जिस तरह से मुझे मीडिया के माध्यम से बिचौलिया यूज़ किया जा रहा है वर्ड के बिचौलिए के रूप में, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं भी किसी भी तरह से मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैं सिर्फ पार्टी के नेताओं के आदेश पर, जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी सोलन के नेता थे, उनके आदेश पर एक गवाह विटनेस के रूप में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट तहसील में उपस्थित हुआ था। जो एग्रीमेंट इकरारनामा हुआ था वो सत्य है और उस पर मेरे हस्ताक्षर भी हैं। कौन कौन नेता? जो भी परचेज कमेटी के यहाँ नेता है, उनके द्वारा मुझे वहाँ पर बोला गया था कि आपने वहाँ पर विटनेस बनना है। जो हमारे परचेज कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि वहाँ साइन करना है, तो उनके कहने पर मैं वहाँ एग्रीमेंट साइन करने गया था। मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से यही मांग करूँगा कि जो भी यह पुलिस जांच हो रही है, पुलिस अपनी जांच करवाए या सरकार किसी भी एजेंसी से अपनी जांच करवाना चाहती है, करवाए। मैं उसमें पूर्ण रूप से और पूर्ण तरह से सहयोग पहले भी कर रहा था, आगे भी करूँगा और अभी भी कर रहा हूँ। मैं शीर्ष नेतृत्व से ये आग्रह भी करूँगा कि भाजपा अपने लेवल पर भी इसकी जांच करवाए। अपने एज ए संगठन के तौर पर पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मेरा पक्ष भी वो सुने, मैं ये आशा उनसे करता हूं। और दूसरी जो बात अभी मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगी है कि जैसा कि सोलन के स्थानीय नेताओं द्वारा बताया गया कि मेरे कोई एनपीए अकाउंट हुए थे, तो मेरा बिजनेस है, बिजनेस में उतार चढ़ाव चलता रहता है। मेरा उस दिन छोटी शॉपकीपर हुआ करती थी, स्पेयर पार्ट की दुकान हुआ करती थी, तो जो बिजनेस था मेरा वो बैंक लोन के माध्यम से था। वो बैंक का मेरा लिमिट थी, लोन था, वो मेरा आज भी स्टैंड चल रहा है, उसी तरह स्टैंड है, कोई मेरा एनपीए अकाउंट नहीं हुआ है। जो भी स्थानीय नेता है, हमारे जो सोलन के स्थानीय नेता है, परचेज कमेटी के जो नेता है, उनके द्वारा ये मेरी छवि खराब करने को, वो मेरी वार्ड में छवि और मेरी धर्मपत्नी जो पार्षद इस टाइम वार्ड नंबर एक से, हमारी परिवार की छवि खराब करने को पूरा षड्यंत्र जो रचा जा रहा है, वो उन परचेज कमेटी के सदस्यों द्वारा रचा जा रहा है।